वेलकम टू क्रिएटिविटी विद सुषमा। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट कोकोनट रोल। ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और रक्षाबंधन स्पेशल रेसिपी होगी आज के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि बिस्किट हमें चाहिए पार्ले जी। पार्ले जी नहीं है तो आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, मारी गोल्ड या जो भी है। तो ये हम पार्ले जी ले रहे हैं, 200 ग्राम वाला पैकेट है, 50 ग्राम एक्स्ट्रा है, तो हम इसको हटा देंगे। हम 200 ग्राम यूज़ कर रहे हैं। इसको हम खोलकर पहले तो एक मिक्सर जार में डाल के इसका चूरा बना लेंगे। हमें फ़ाइन चूरा बनाना है, उसमें कोई भी गुठली जैसा नहीं होना चाहिए, मतलब कि पाउडर प्रॉपर होना चाहिए। अगर लग रहा है कि अंदर कुछ रह गया है तो फिर आप उसको छान सकते हैं, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा मोटा टुकड़ा रह गया वो बाहर निकल आएगा। तो ये चूरा मैंने बना लिया है बढ़िया से, इसमें कोई सा भी गांठे नहीं है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। शुगर हम 4 टेबल स्पून ऐड कर रहे हैं, 4 बड़े चम्मच। ये भी अगर आपने पीसा है घर में तो इसको भी छान लीजिए। कोका पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। अगर कोका पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप कोई बिस्किट चॉकलेट वाला ले लीजिए, और ओरियो या फिर कोई और उसको भी पीस कर इसमें कोको पाउडर की जगह डाल सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं चॉकलेट सिरप। ये हर्षी का चॉकलेट सिरप है, आपके पास जो भी वो ऐड कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो फिर आप मिल्क ऐड कर दीजिए थोड़ा सा, उस चॉकलेट घिस के जो नॉर्मल चॉकलेट आप घर पे लाते हैं तो उससे भी काम चल जाएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको सब अच्छे से कंबाइन कर लेना है, सारा मिक्सचर एकदम से सब जगह से बराबर मिक्स हो जाएगा। तो हम इसमें ऐड करेंगे दूध। दूध हम इसमें 4 टेबल स्पून ऐड करेंगे। अगर थोड़ा ज़्यादा लगता है कि आटा जो आपका डो है वो टाइट हो रहा है तो आप एक स्पून और ऐड कर लीजिए। तो मैं इसमें ओवरऑल 4-5 टेबल स्पून मिल्क ऐड करूँगी। नॉर्मल टेम्परेचर पर आपका मिल्क होना चाहिए। इसका मैंने एक डो अच्छे से बना लिया है। अब हम इसमें बटर ऐड करेंगे। बटर 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। बटर आप पहले भी ऐड कर सकते हैं, मैं भूल गई थी तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बटर की जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं, घी लेकिन थोड़ा कम यूज़ करेंगे। तो इसको बटर डाल के मैंने इसका बढ़िया सा स्मूथ डो जैसा बना लिया है, चिकना। अब हम इसको एक साइड रख देंगे और एक दूसरे बाउल में हम कोकोनट पाउडर लेंगे। 1 कप कोकोनट पाउडर लिया है, वो जो हमारा डेसिकेटेड कोकोनट आता है वो। तो ये हम इसमें हमने 2 टेबल स्पून शुगर ऐड कर दी है और अच्छे से मिला लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे बटर। बटर 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे और मिला लेंगे। हमें मेल्टेड बटर नहीं चाहिए, ऐसा ही बटर चाहिए रूम टेम्परेचर पे। और ऐड करेंगे वनीला एसेंस, ये 1/2 टी स्पून ऐड किया है। और मिक्स करके इसको हम फिर दूध से फिर थोड़ा सा बना लेंगे, कंबाइंड कर लेंगे। तो इसमें मैंने 3 टेबल स्पून मिल्क ऐड किया है, ज़्यादा नहीं ऐड करना है। तो ये अच्छे से मिक्स कर लिया। इसको हमें चूंकि फैलाना है चॉकलेट डो के ऊपर रोल करने के बाद, तो इसको हमें बहुत सूखा भी नहीं रखना और बहुत गीला भी नहीं रखना है। ये बढ़िया सा रेडी हो गया है। अब हम इसको एक साइड रख देंगे। एक बटर पेपर लेंगे हम और उस पर अपना जो चॉकलेट डो है वो हम अच्छे से फैला के हम उसको रोल कर लेंगे। बहुत ही स्मूथली रोल करना है। ये मैंने पूरा रोल कर लिया है। साइड में जो क्रैक्स है उसको हम कट कर लेंगे और एक तरफ रख देंगे। उसको मैं बताऊंगी कि बाद में कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। चारों साइड से ही अच्छे से कट कर लीजिए और फिर थोड़ा सा इसको हम फैला देंगे, जहाँ भी मोटा पतला हो इक्वल कर लेंगे। तो अभी ये रेडी है। तो अब हम इस पर फैलाएंगे अपना कोकोनट का मिक्सचर। तो कोकोनट का मिक्सचर सब जगह बराबर से हम फैला देंगे। इसका भी एक हमको लेयर तैयार करना है। बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर आपका मिक्सचर बच रहा है तो बच जाने दीजिए, कम है तो फिर उसको थोड़ा सा और आप लेके मिक्स कर सकते हैं। तो ये बढ़िया से हम इसको प्रेस करके सेट कर देंगे चॉकलेट के साथ। अब हम इसको रोल करना स्टार्ट करेंगे। बटर पेपर हमने नीचे लगाया है तो हम बटर पेपर के हेल्प से इसको रोल करेंगे। डायरेक्टली हाथ से नहीं रोल करेंगे,
तो बटर पेपर को हम रोल करते जाएंगे और ऊपर की तरफ बटर पेपर अपने आप से निकलता जाएगा, आप हटाते जाइए। बटर पेपर के साथ हमको उसको रोल नहीं कर लेना है, बटर पेपर आपको ऊपर आएगा और आपको चॉकलेट का जो डो हमने बेला है वो हम अच्छे से रोल करते हुए फिनिश कर लेंगे और सारा हम एक साथ रोल कर लेंगे एक बार, हल्के हल्के हाथों से, बिल्कुल आपको इसमें दबाव नहीं देना है। ये देखिए सारा रोल अच्छे से रेडी हो गया, इसको हम बीच से कट कर लेंगे पहले और फिर हम इसके पीसेस अलग अलग कट कर लेंगे। तो ये जो है थोड़ा सा हम इसके थिक पीसेस कट करेंगे, बहुत पतले नहीं कट करेंगे नहीं तो वो टूट जाएंगे। और ये सारा काम आपको बहुत ही अच्छे से करना है, बहुत ही सावधानी से, क्योंकि ये बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। तो ये मैंने सब कट कर लिया है हाफ रोल, और ये इसी तरह दूसरा रोल भी कट कर लेंगे। और ये देखिए रेडी है एकदम से खाने के लिए, टेस्टी, बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगे। दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, कोई भी त्यौहार हो, ये आप सर्व कर सकते हैं फटाफट से। और ये जो बचा था आप, मैंने बताया था साइड मैंने कट किया था, उसको हम ऐसे रोल कर लेंगे और आप चाहें तो इसके बीच में कोकोनट भर के यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हमारा जो है चॉकलेट कोकोनट रोल एकदम से रेडी है। तो आप भी बनाइए और बताइए कि कैसा बना है। और अगर आपको ये आज की रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।